नमस्कार दर्शकों, जय हिंद जय भारत। YouTube चैनल राजस्थान यात्रा पर सभी का है स्वागत है। खबर है बिदासर कस्बा जिला चूरू से। सैनी समाज बिदासर जिला चूरू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा सैनी समाज की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के बाल विवाह पर की गई टिप्पणी के विरोध में उपखंड अधिकारी महोदय बिदासर को सौंपा ज्ञापन। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम, जिसमें बिदासर सैनी समाज से एडवोकेट गौतम सैनी, प्रेम सैनी, वार्ड 19 पार्षद महेंद्र माली, वार्ड 9 नंबर पार्षद ललित माली, समाज सचिव रामनिवास सांखला, टिकमचंद माली, सीताराम तंवर, नॉर्थन माली, घनश्याम माली, इंद्रचंद माली, कमल माली, कन्यालाल माली, दीपक माली सहित अनेक समाज बंधु रहे उपस्थित। समस्त सैनी समाज प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के बाल विवाह पर की गई टिप्पणी के विरोध में निंदा करता है। आप देख रहे हो राजस्थान यात्रा। महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम सौंप रहे हैं ज्ञापन श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय बिदासर जिला चूरू को। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम। महोदय भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा हमारी माता सावित्री भाई फुले के विवाह से संबंधित कुछ अनर्गल और रस्मी की गई थी, जिसके संबंध में बिदासर सैनी समाज ने आज ये ज्ञापन दिया है। और राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है, उनको अपनी बात पे संयम रखना चाहिए। इस तरह की जो समाज की अग्रणी और विश्व भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के बारे में इस तरह की अनर्गल टिप्पणी की है, उसके विरोध में समस्त बिदासर सैनी समाज आपत्ति दर्ज कराता है, विरोध करता है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को निवेदन करते हैं कि राज्यपाल महोदय को तुरंत बर्खास्त किया जाए और राज्यपाल को सार्वजनिक रूप से इस बाबत माफी मांगनी चाहिए। जय फुले।